स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। उम्मीद है आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी पार्ट वन आर्टिकल के बारे में, आज उसका पार्ट दूसरा है। आइए देखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिया एन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसको कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं। हम जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग किस प्रकार होता है, ज़्यादातर हम लोग इसको जानते हैं, किंतु आज हम और अच्छे से जानेंगे कि कब ए का तथा कब ए एन का प्रयोग करते हैं। हमें इसका प्रयोग करना आता है किंतु आज हम और अच्छे से समझ सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ, मतलब जो भी एक सेंटेंस दिया है उसका जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला वर्ड है स्टार्ट विथ, वो किसके साथ शुरू होता है, किसके साथ, मतलब वोवल्स के साथ या कॉन्सोनेंट। वोवल्स मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। वोवल्स का साउंड अगर आता है तो एन का प्रयोग किया जाता है, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है। हम साउंड के बेस पर ए और एन का प्रयोग करते हैं, उनके लेटर पे नहीं, उनके साउंड पे। जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट हमारा ई है जो कि हमारे स्वर वोवल्स में आता है, ए ई आई ओ यू, तो ई आता है, इसके आगे एन आया। इसी प्रकार दिस इज अ मैंगो, एम मैंगो आया है, एम आया है, जो कि हमारा व्यंजन है, माँ से शुरुआत हो रहा है तो वहाँ पे हमने शुरुआत करी है ए की। व्यंजन है तो हमने ए का यूज़ किया है, या ई वोवल्स स्वर ध्वनि आ रही है इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, कपिल इज इंटेलिजेंट बॉय, आई ए ई आई ओ यू, आई हमारा वोवल्स है इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आई हैव अ सन, सन सावी हमारा व्यंजन है इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। अब थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जो हमको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं, राम इज ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एच जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, अंग्रेजी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, एच फोर हा होता है हिंदी के व्यंजन में देखें, लेकिन इसका जब उच्चारण होगा वो हमारा होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमारा आ आता है जो कि हमारा स्वर है हिंदी वर्णमाला में, तो इस प्रकार यहाँ पे होगा ए एन। इसीलिए कहा गया है नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, किस साउंड से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है शुरू होता है, या होनेस्ट नहीं होगा यहाँ पे ऑनेस्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू दिया है जो कि हमारा एक स्वर है, वोवल से ए ई आई ओ यू, ये यू आया है, किंतु लेकिन यू का जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है या, जो कि हमारा व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन, इसलिए यहाँ पे हमने ए का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ का जो उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी वो या है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार एन एम एल ए, एम एल ए, यहाँ पे ए एन लिया है, किंतु ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो लेटर दिया हुआ है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला का, किंतु लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है एम एल ए, एम एम में जो ए आ रहा है शुरुआत में उच्चारण में वो होता है हमारा हिंदी का स्वर, इसीलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं, आई हैव अ वन रुपी, वन ओ एन ए वन, ओ हमारा स्वर है ए ई आई ओ यू से, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है वा से, वा वा जो है वो हमारा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने ए का प्रयोग किया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट थ्री आएगा उसमें हम दा का प्रयोग देखेंगे, उसमें ये भी देखेंगे कहाँ पे दा कहाँ पे दी का यूज़ होता है। थैंक यू।